पीछे क्या लेके घूम रही है वो तो देखो एक बार। उसको अपनी दवाई लेके घूम रही है। आज का व्लॉग शाम के 6 बजे शुरू हो रहा है। अपना दवाई लेके घूम रही है। देख 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 कैसे कर रही है। देख 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 ये हल्दी है, हल्दी कूट दी। नहीं देगी, नहीं देगी। अब ये हल्दी 3 महीने से बोली बेटा। मैं बोली थी मैं देख के आ जाऊंगी तो क्या आप बोले? मैं देख के आ जाऊंगा तो तू देख आऊंगी, कब बोली थी? मैं नहीं बोली थी, परसों ही बोली थी। तम्मू को छोड़ के आते टाइम मैं देखी हूँ आटा चक्की वाला, तो बोलते आप बच्चे हो तुम लोग करके। सही बात है, वो लोग ना कुछ कुछ मिला देते हैं ना उसमें, बड़े जाके देते हैं तभी क्या है अच्छे से पीस के देते हैं। हाँ तो पिसाई मशीन खरीद लो, आटा पिसाई मशीन खरीद लो घर के लिए, पीस पीस के हल्दी पीस पीस के पैकेट में डाल के बेच लेंगे। 3 या 4 महीना हो गया रखी थी, उससे पूरे कीड़े पकड़ लिए, उससे ज्यादा कीड़े पकड़ लिए, उसे पूरा इतना बड़ा डब्बा भर के मैं क्या करूँ बताओ? कुछ नहीं, वो देखो उसको, उसको देखो। अपनी दवाई बोतल ऐसे बर्बाद कर दिए, तुम लोग दवाई दिए नहीं हो। वो दवाई हो चुका है, अब डालने से कोई मतलब भी नहीं है उसको। ऊपर और बना लेंगे क्या? इतने बड़े बड़े पूरे खींचे तो अपना भी खींचे थे वो तो। क्या? कौन लोग? मेरे को नहीं लगता। नहीं बीच में पिलर डलेगा। क्या पिलर डलेगा? कलम कलम के ऊपर और दीवार बनेगा तो उसके लिए तो रॉडे छोड़नी पड़ेगी ना। मतलब अभी तक डाला नहीं है, इतना छोटा सा है और बीच में इतना सारा जगह छूटा हुआ है। वही तो अपना हो गया था ना सुबह, कितना 11 बजे अपना इतना बड़ा, कितना जल्दी हो गया था। कितना 11 बजे शुरू हुआ था, 5 बजे तक खत्म हो गया था। हाँ। है ना? हाँ। और मतलब सुबह से शुरू हुआ, सुबह से शुरू हुआ है लेकिन अभी तक नहीं हुआ। कैसे 2 या 3 लोग है ना इसीलिए? आपने बहुत सारे लोग थे। हाँ वही तो दिक्कत है, 10-12 लोग इसमें। हाँ। वो कहाँ होके खड़ी हुई थी बताओ? इधर आओ, इधर आओ, इधर आएंगे तो बजाएंगे ना। यहाँ आके यहाँ खड़े हो गए, यहाँ पर पूरा यहाँ पर खड़े होके देख रही है। पागल हो गई है, पूरी पागल हो गई है। सच्ची बता रही हूँ, सही पागल हो गई है। सच बोले आप कहीं हो? वो लोग लेंटे डालने में उनकी तरफ से जाएगी। और तब तक सीढ़ियाँ भी बन चुकी होगी। हाँ सुन, इतना ऊंचा कोई करता है? हैं? इतना ऊंचा कोई करता है क्या? तो टेल्स चली का तो ऊपर होगा ना? फिर भी बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत ज्यादा है। तो वो भी फॉल सीलिंग वगैरह लगवाएंगे शायद? नहीं कुछ भी लगवाए, लग रहा है अपने को ऊपर लग रहा है, अपना भी उतना ही ऊंचा था। देखो सेम बॉर्डर में है। नहीं नहीं सेम बॉर्डर में, इतना नहीं था अभी, इतना ही था। मैं गिनी हूँ कितना था ऊपर। हाँ इतना ही था, नहीं 3-4 ईटा, 4 या 5 रद्दा ईटा बस था। 1, 2, 3 ये भगवान नीचे 27 ऊपर 9। हाँ आ गई, पापा आ गए, पता नहीं पापा आ गए। चल 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 खाने के लिए पापा क्या लाए? कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं लाए, कुछ नहीं लेते। अपनी भैया कुछ नहीं लाए, क्या सिली है भैया? ये पूरा ये पीछे 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 जा रहा है। ऐसा क्यों जाता है आपका? आपका मेरा क्या सिली है इसमें? अपना वी कॉलर सिलवाया करो। देख 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 मेरी बेटी को देख, वो ऐसे ही आ रही है पीछे पीछे। देख पीछे से कर, देख क्यों चुन्नी पकड़ रही है ना, कर क्या रही है पीछे से ऐसे दो पैर के बीच में। देख अब आएगी ना, देख आ जा, दो पैर के बीच में से मेरे को चलने नहीं दे रही। देखो देखो आ जा,
नहीं आए। उसको पता है पानी कहाँ पीना है। हेलो और ठीक है ये पूरा पीछे ही जा रहा हो गया। कैसे इसको बोलते डॉग वॉक। अरे फोन करो भाई कितने बजे आएंगे वो। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ क्या सोच के यहाँ पर वो चीटी वाली दवाई यहाँ पर बॉटल छोड़े थे। कौन, मैं नहीं छोड़ी। कौन छोड़ा था उसको चबाइए। अरे क्या हो रहा है भाई तेरे को, देख 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 कहाँ घुस जाएगी, तेरे बैठने की जगह नहीं है। कहाँ जाना है तो अभी जा सकते हो ना दीप्ति आंटी के पास थ्रेडिंग करवाने। अभी नहीं जा सकती, चल फिर चल। देख देख वहाँ पर दवाई रखा है ना इसलिए खींच रही है। तू कर क्या रही है, वहाँ दवाई रखा है उसका इसीलिए खींच रही है। क्या उसका वहाँ दवाई अटकाई हूँ ना मैं, तू पागल हो गई, ऐसे कोई खींचता है। यही तो चबा रही थी देखो। एक तो प्यार तो कर दे मम्मी को डुबू, एक बार प्यार तो कर दे मम्मी को। मेरी रानी बेटी चौकी लाओ, चौकी हो गया। के लिए क्या लाएंगे, चौकी लाएंगे, एक तो चौकी लाएंगे। क्या तू क्या चौकी भैया आ रहा है जैसे सिली है पूरे कपड़े। क्या गर्मी है, क्या पूछे इससे। अरे इसको धोना है ये तो सब यही पे छोड़ दिया। हाँ वाह। हाय फ्रेंड्स, अभी 7 बज रहे हैं शाम को। ब्लॉग तो शुरू ऐसे 6:15 बजे शुरू हो गया था। छत के ऊपर गई थी तो हमारे हाची पूरा छत को इतना सुंदर बना के रखी है, तो कल संडे है पूरा छत को साफ करना है। वैसे शाम हो गया था तो इसीलिए देखने के लिए बस गई थी, कितना सुंदर बना के रखी है। पूरा गमले गमले में मिट्टी विट्टी सब फैला के रखी है, तो इसीलिए ब्लॉग जो है मेरा शुरू हुआ है 6 बजे से आज, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, थोड़ा सा साफ सफाई में व्यस्त रह गई। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑर्डर करवाने के लिए, मेरे कुछ कपड़े हैं मैं 4-5 महीना पहले दी थी, लेकिन वो टेलर दी 2 महीने पहले, उसको आज सुबह पहनी तो वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके कारण फिर ऑर्डर करवाने के लिए फिर दोबारा जा रही हूँ उसके पास टेलर के पास। और बाकी और कुछ कुछ काम भी है, वो सब करके फिर मैं और समीक्षा दोनों वापस आएंगे। अभी हम लोग निकल रहे हैं अंदर, अभी हम लोग निकल रहे हैं तो जूता भी खरीदना है। 10 दिन पहले हमारी हाची समीक्षा की बुआ का जूता काट दी थी बुरी, तो इसलिए वो जूता लेने के लिए भी जाना है और भी बहुत सारे को शॉपिंग करनी है, तो इसीलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं। 1-1.5 घंटा लग जाएगा घर आते तक, फिर उसके बाद खाना वाना बनेगा, सब तैयारी होगी। पेटीएम कर फोन है, फोन कर फोन तो तुम्हें तो पकड़ी है जी, मानी तो काफी को ले देना। थैंक यू मैं आई थी ये अवार्ड जरूर से जूस आवा नहीं ना 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 मैं तो मैं
नीक कोशिश कर रहे रात्र बैठी से मैसेज तो मैं भी लगा दी इसलिए चलना होगा मैं उसे थैंक यू हाँ तो बैठ के बजाऊंगे आज जी ने एक जन पूछे हैं वहाँ पर वो होगा क्या चीज का क्या कहे ना वो इनॉग्रेशन है आप प्रोग्राम देंगे क्या मैं बोली बिल्कुल देंगे हम भी अपना भाई जैसा चमक जाएंगे तो रिकॉर्डिंग करने बुला रहे ना हम लोग को ऐसा वाला एक छोटा वाला था ना आपके पास क्या वाला दिवाली मायावर नीचे ना पर आपके मनेंद्रगढ़ में नहीं क्या मता दे पहन लो आप देखो पहन के भी देखो साइज अगर छोटा बड़ा होगा ना मैं वापस करके ला दूंगा काफी पैकेट ला देना बट उसमें है डबल हां ना जाड़ी लेने डबल आप पहन के देखो ना छोटा बड़ा अगर हो रहा है तो पता चल जाएगा ना नहीं नहीं बात नहीं ना वेल्ले ना डी मार्ट की सामान तेज करने वेल्ली कोड़ा ना अकड़ ची तैले दे ना उसका नहीं बनाते साल भर का पूरा एनिवर्सरी वो एनिवर्सरी नहीं एनिवर्सरी हाँ मतलब उद्घाटन जिस दिन करते उसी का వస్తా రండి ఇక్కడ ఎవరు వేడ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు దేవనగర్ బాలాజీ విద్యా మందిర్ అలాగే నండి వస్తాం తగ్గరు కానీ మా ఇంట్లో కార్లు ఏరోప్లేన్ తుమ్మిలేకే పస్ కూర్చునియే అంటే మా ఇంట్లో మీ ఇంట్లో కార్ ఉంటే వచ్చేస్తా అండి మాకేం వెంగలేదు అని చెప్పాను అయితే ఉండండి చూద్దాం ఎందుకంటే మెషిన్ సినిమా పాటలు కట్ట నాకు రావు వచ్చినా నాకు రావు అని చెప్పేసి అంటే అయితే అలాగే నండి అయితే శంకరవర్ణ జిందాబాద్ నా ఆయనే మేరకు పాప బజానీ నీ దేతే జో ఉనే అభీ పాప థోడీ నా वो आदत पड़ जाएगा ना उससे जो शुरू से वो जो आ रहा उसी इसमें अपने को रहना अभी बाढ़ पील चे रहनी वहां मारो रेंट पोके पार दवाई किसी है तो नहीं होगा चप्पल पहन के देखो साइज साइज छोटा बड़ा ना हो जाए करके मेरे को जो याद वरना सात नंबर के नेम डाले तो हानि हो चला चप्पल पट करी हो आई आउट ये पर जाते क्यों नहीं है आज आप आचे आ लॉ बाइट ने लॉ पर जूंगर भी बाइट ने चूस आ पानी लो ने ना चप्पल अलग है मजा तो आप जो दोबारा आए थे सब तो सुनाएंगे पहली बार में पहली बार तो और नेम नेम चप्पल पट क्यों नहीं डाले तो हनी वच्चा नहीं जिस दिन आपका चप्पल काट देते हो तो वही पहले बैठे दोबारा वही पहले लेके आए वो और शाम के टाइम अगर आए होंगे तो मैं नीचे थी तुरंत मैं नीचे थी ना एकदम सर एकदम पांच नंबर था मेरा मैं बोली ना पांच पांच वो यूके यूएस वाले में साथ हाँ, तो हमारी समीक्षा सबको पता है ये देख इसलिए तुरंत बता रही बोले मम्मी ए बोल ले दो वाली हो जाएगी दी पुणे नवरात्रि ले वाड़दा हैं नवरात्रि ले वाड़दा देवी नवरात्रि ले वेलने पुणे वाड़ कौन था वाह छी कहाँ नवरात्रि में जाते ये वाला चप्पल पहनोगे तब सब ठीक है नहीं और क्या तो कहीं जाएंगे तो चप्पल छोड़ेंगे तो कुछ चोरी करके ले जाएंगे लेकिन चोरी पहले होती है मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले ये क्या है होता था चोरी लेकिन आजकल नहीं आजकल हमसे ज्यादा बड़े बड़े चप्पल वो लोग पहन रहे तुम हमारे चप्पल की क्या जरूरत तुमको मानना चप्पल और अक्कल है फैशन आधे तो वही तो हम उनसे कम दर्जे का चप्पल पहन के घूमते हैं तुड़बो भी आते फेंक देते हैं आधे चलते नान के नान को చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నప్పుడు అదేమో ఆ కొంటే అదేమో నాన్నకి ఇంకా చిన్న తెప్పింది తెలిసి నాన్నతో స్టూడెంట్ ఉండేది శకుంతలని అదేమో నాన్న ఇచ్చారు ఆ శకుంతల ఏమో మా మామగారి ఇంట్లో అంబికాపురి ఇంట్లో అద్దెకుంటూ ఇట్ట అదేమో మా బాలకి నేర్పింది అదేమో దానికి ఇచ్చింట అది అమ్మింది అది కూడా నాకు తెలియదు నేను పెళ్ళైన తర్వాత అక్కడ అంబికాపురంలో ఉన్నాను అది మా నాన్న వేణని కూడా నాకు తెలీదు హనీ పుట్టినప్పుడు మా మామగారు ఏమో మా